की बात और सुधीर राज का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कहीं भी बुद्ध की बात होती है तो सुधीर राज वहाँ पे मौजूद होते हैं। सुधीर जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सुधीर जी आप बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा था या उनकी मृत्यु हुई थी। अगर मृत्यु हुई थी तो किस तरीके से हुई थी वो भी बताएं। ये बात सच है कि पूरी दुनिया में भग्नवान बुद्ध या भंगी बुद्ध या भंग ज्ञानी बुद्ध, भगवा तथागत सुगत बुद्ध एक अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा मृत्यु से 3 महीने पहले की थी और ये कहा था कि मैं 3 महीने बाद, ये माघी पूर्णिमा की थी कि मैं बैसाख पूर्णिमा की रात को 3रे पहर में शरीर को ख़त्म कर दूंगा, छोड़ दूंगा, सांसें बंद कर दूंगा। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था तो ज्ञान प्राप्त करते समय अपने शरीर के सॉफ्टवेयर को चलाना, सॉफ्टवेयर के वायरसेस को निकालना, उसमें वायरस एंटर ना करें एंटीवायरस का डालना, ये सारे मैकेनिज्म उन्होंने कोड और डिकोड किए। और वो पहले मनुष्य थे जो अपने सिस्टम को चेंज भी कर सकते थे। उसी के तहत में उन्होंने अपनी जो डेथ की फाइल थी उसको होल्ड कर दिया और डेथ की फाइल उन्होंने जब खोली तब उसको अनाउंस किया कि अब मैं 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, यानी कि निब्बान प्राप्त कर लूँगा। उसको महापरिनिब्बान भी बोलते हैं, शरीर को ख़त्म करना। तो इसलिए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, अपनी इच्छा से छोड़ा। और ये बड़े कमाल की स्थिति होती है जो लोग विपश्यना करते हैं और ख़ासतौर से जो लोग बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, बोधि प्राप्त करते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।